प्रधानमंत्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन से वापस भारत लौट आए हैं। उन्होंने अपने दौरे को उपयोगी बताया है और गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए इटली की जनता और सरकार का आभार भी जताया। पीएम मोदी के इटली दौरे से पहले से ही सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा उत्सुकता इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से उनकी मुलाकात को लेकर थी। दोनों नेताओं की मुलाकात भी बेहद शानदार रही और दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन हाथ जोड़कर किया। अब G7 शिखर सम्मेलन के बाद पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें जॉर्जिया मेलोनी पीएम मोदी के साथ सेल्फी ले रही हैं। दोनों ही वर्ल्ड लीडर एक दूसरे के साथ सहजता के साथ खड़े हैं और मुस्कुरा रहे हैं। पहली नजर में यह तस्वीर किसी कमरे के बाहर की प्रतीत हो रही है, क्योंकि तस्वीर के पीछे एक दरवाजा है और वहाँ एक दो लोग भी मौजूद हैं। इस तस्वीर में जॉर्जिया मेलोनी और पीएम मोदी का अंदाज देखने लायक है। दोनों ही नेता पूरी सहजता के साथ एक दूसरे से मिले। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद इटली के अपुलिया में जॉर्जिया मेलोनी से उनकी मुलाकात बेहद खास रही। पीएम मोदी ने इस बार भारत की सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार जॉर्जिया मेलोनी को हाथ जोड़कर नमस्ते किया। इसके बाद इटली की पीएम ने भी उसी अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन किया। बता दें कि G7 शिखर सम्मेलन में आउटरीच सेशन के दौरान पीएम मोदी ने देश में हाल में हुए लोकसभा चुनाव और उसके निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया की तारीफ में कसीदे पढ़े। पीएम मोदी ने देश की चुनावी प्रक्रिया को पूरे लोकतांत्रिक विश्व के लिए बड़ी जीत बताया। उन्होंने कहा कि भारत का चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। साथ ही G7 समिट को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि G7 संघ उनके देश का संवाद और सहयोग जारी रहेगा। इसके अलावा पीएम मोदी ने टेक्नोलॉजी में एकाधिकार को समाप्त करने का आह्वान किया और कहा कि समावेशी समाज की नींव रखने के लिए इसे रचनात्मक बनाया जाना चाहिए। पीएम मोदी ने टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा करते हुए AI फॉर ऑल का मंत्र दिया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर राष्ट्रीय रणनीति तैयार करने वाले पहले कुछ देशों में से एक है। इटली में प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से भी मुलाकात की। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि ब्रिटेन के पीएम से मिलकर बहुत खुशी हुई। मैंने भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।